अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी के बारे में। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? हाइपोफिसिस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की दो मेन सब डिवीजन है, एक है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। एडिनो हाइपोफिसिस जो है ना, वो हमारे पास ड्राइव होता है ओरल एक्टोडर्म से, और न्यूरो हाइपोफिसिस ड्राइव होता है न्यूरो एक्टोडर्म से। ठीक है। अब जो न्यूरो हाइपोफिसिस है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको आगे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है पार्स नर्वोजा और दूसरा है हमारे पास इनफंडिबुलम। ठीक है। और एडिनो हाइपोफिसिस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस की एक एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम कह देते हैं पार्स ट्यूबरेलिस, जिसका दूसरा नाम है पार्स इनफंडिबुलरिस। अब इनके काम के बारे में बात करते हैं और इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पार्स इंटरमीडिया की बात करते हैं तो पार्स इंटरमीडिया के पास कोर्ड्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेलेनोट्रोफ्स। कोर्ड्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स होते हैं किसके पास? पार्स इंटरमीडिया के पास। और वो उन सेल्स का क्या नाम है? मेलेनोट्रोफ्स। अब ये जो मेलेनोट्रोफ्स है ना, ये सिंथेसाइज करते हैं एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम है प्रो ओपियो मेलेनोकोटिन, POM से। ठीक है। मेलेनोट्रोफ्स एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम है प्रो ओपियो मेलेनोकोटिन, POMC। अब ये प्रोटीन किस तरह जनरेट होती है? ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ सेवरल पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे कि ACTH, एंडोर्फिन्स, इनकी जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है ना इन हार्मोन्स की, उससे हमारे पास ये प्रोटीन जनरेट होती है और हमारे पास आगे जो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अल्फा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गैमा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन सब से हमारे पास इन सब की प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से हमारे पास क्या जनरेट होती है? एक प्रोटीन जिसका नाम है प्रो ओपियो मेलेनोकोटिन। ठीक है।